हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती 8720 परमानेंट पोस्ट के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, जिसकी एप्लीकेशन पोर्टल 18 मई से स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स एप्लीकेशन कर सकेंगे जो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से स्टेट से आई है, वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फी, ये सारी चीजें आगे हम कवर करेंगे। शुरू में ही देख लेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, जिससे आप समझ सकेंगे कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। विषयमान से रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी। हिंदी में एडवर्टीजमेंट, हिंदी सब्जेक्ट में 509 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में दो अलग अलग है, बाइफरकेट किया है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत है। तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, बट टोटल अगर देखें तो हिंदी में टोटल 509 वैकेंसीज, इंग्लिश में 1763 पोस्ट्स हैं। संस्कृत सब्जेक्ट में 508 वैकेंसीज, उर्दू में भी वैकेंसीज हैं 42, मैथमेटिक्स में 1362, 1362 वैकेंसी, बायो में 755, फिजिक्स में 777, 777, केमिस्ट्री में 781, इसके अलावा हिस्ट्री में 304 वैकेंसीज, पॉलिटिकल साइंस में 284, ज्योग्राफी में 149, इकोनॉमिक्स में 287, सोशियोलॉजी में 88, कॉमर्स में 514, एग्रीकल्चर में 569 एंड होम साइंस में 28। टोटल कुल मिलाकर 8720 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई वो चेक करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते ही आप समझ जाएंगे कि है क्या आपके पास ये एलिजिबिलिटी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से आया हुआ है, मीन्स मध्य प्रदेश से आया हुआ है। इसमें मध्य, जैसे मैंने आपको बताया, दो कैटेगरीज में, मध्य प्रदेश शासन मीन्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, एमपी गवर्नमेंट, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग, तो दो अलग अलग है, जिसमें एक स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत जितने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षण चयन परीक्षा 2023, तो जितने भी उच्च माध्यमिक टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब अब इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म है वो 18 मई से शुरू होगी और 1 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। करेक्शन विंडो वगैरह ओपन होगी वो बाद में देख लेते हैं, फीस वगैरह बाद में देख लेते हैं, एग्जाम होगी वो भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, क्योंकि उससे समझ आएगा कि कर सकते हैं एप्लीकेशन या नहीं कर सकते। तो जो कैंडिडेट देखना चाहते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन, पेज नंबर 3 पर चले आए। 113 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं, मेन चीज कवर करते हैं। तो पद का विवरण, अगर पद पूछेंगे तो कैसे पोस्ट है, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक है। और आवेदन पत्र या वो भी छोड़ देते यहां से कि क्या रिक्वायरमेंट है। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो एमपी टेट होता है, उच्च माध्यमिक लेवल का, उच्च माध्यमिक लेवल का शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब मध्य प्रदेश टेट, एमपी टेट 2018 वाला या 2023 वाला आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है कि 2018 या 2023 वाला उच्च माध्यमिक लेवल का एमपी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित, तो एमपी टेट होना चाहिए आपके पास, वो भी उच्च माध्यमिक वाला। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए द्वितीय श्रेणी में, मतलब 50% या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री एंड बीएड। तो तीन कंडीशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, सेकेंड बीएड है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2018, दो ही ले रहे हैं, या तो 2018 में आप क्वालिफाई हो या 2023 में एमपी से जो होता है कंडक्ट टेट उच्च माध्यमिक लेवल है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए तभी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो जिनके पास नहीं है 2018 या 2023 वाला माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो वैसे भी आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। उसके बाद फिर एज लिमिट है, मिनिमम 21 ईयर्स है। अगर अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 40 है, फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 45 है, और इसी तरीके से बाकी जो है। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 को बेस लेके करना है। सब्जेक्ट की डिटेल हमने देख ली है, सैलरी बताई गई है कहीं पे, सैलरी पूरी, जितने भी पे स्केल में बहुत सारी चीजें दी जाती है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है, सिर्फ यहाँ पर न्यूनतम वेतन आयोग 36,200 दिया जाएगा, प्लस
महंगाई भत्ता डियरनेस अलावेंस दिया जाएगा। तो उसके पहले अब कुछ प्रोबेशन पीरियड में या ट्रेनिंग पीरियड जैसे आप बोलते हैं या परिवीक्षा अवधि उसमें रखा जाएगा कैंडिडेट को, तो वो कुछ अलग सैलरी होगी। बाद में जो है 36,200 प्लस डियरनेस अलाउन महंगाई भत्ता जो भी रहेगा गवर्नमेंट का, तो आप 42,000-44,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शिक्षक चयन परीक्षा में अर्होने के लिए प्रवर्ग वार न्यूनतम, तो इतना जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जिसमें कि ST SC OBC PWBD EWS कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है और 50% बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए, इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। तो रिटर्न टेस्ट तो होगी, तो बाकी चीज़ें जो है मैंने कुछ कुछ हाईलाइट किया है वो पढ़ लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में हर अभ्यर्थियों को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता होगी, तो ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखा हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो MP के हैं, बेसिकली फिर MP टेट किन्होंने दिया रहेगा जो MP के रहेंगे। और यह हाईलाइट किया मैंने 10.5 पेज नंबर 6 पर, आप में से किसी कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट हो तो पढ़ सकते हैं, जो लास्ट ईयर में है फाइनल ईयर में ऐसे कुछ उनके लिए है तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया था आप सबके लिए कि कितने सब्जेक्ट में कितने पोस्ट हैं वो बता दिया आपको। फीस वगैरह ऊपर ही दी हुई थी तो फी की डिटेल तो ऊपर ही चेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो एडवर्टीजमेंट की सबसे जो फर्स्ट सेकंड पेज है वहीं पर सारी चीज़ें दी हुई थी। तो ये हो गया फीस की डिटेल। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपीज प्रति प्रश्न पत्र। और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल रहेंगे ST SC OBC PWBD उनके लिए 250 रुपीज पर क्वेश्चन पेपर। और बैकलॉग रहेगा तो बैकलॉग कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क नहीं। ये है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसके लिए कि 2 अगस्त 2023 को एग्जाम होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड दो शिफ्ट में होंगे, दो शिफ्ट में एग्जाम रखे जा रहे हैं, तो वो है वो देख लेना है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। एक और चीज था कि MP का जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है वो है। और एक कुछ था मध्य प्रदेश जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या कहीं पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ऐसा भी कोई कंडीशन था जो मैंने कहीं पर हाईलाइट भी किया था। और फिलहाल अभी तो वो एक चीज देखनी होगी, कहीं पर ऐसा लिखा था कि जो मध्य प्रदेश का जो एक्टिव होना चाहिए पंजीयन जो रहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या कहीं पर वहां पे पंजीकरण होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा था। पेज नंबर 6 पे 7.6 में चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय संबंधित अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में मीन्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं भले आपके पास सब कुछ है, मध्य प्रदेश का टेट भी होगा सब कुछ होगा, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसके जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आपका एक्टिव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब बहुत पुराना ओल्ड रजिस्ट्रेशन भी नहीं, एक्टिव होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो ये पेज नंबर 6 पर 7.6 कंडीशन को आप पढ़ लें, काफी बड़ा है एडवर्टीजमेंट तो मेन मेन चीजें मैं कवर करने की कोशिश करी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेते हैं, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट इस पे ही लिख के दिया है esb.mp.gov.in, फिर भी एक बार देखते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, ये लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म तो ये एक्टिव हो जाएगा जब 18 मई से, तो ये क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, फिलहाल तो ये ओपन है। रूल बुक मतलब एडवर्टीजमेंट जो 113 पेजेस की 113 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है उसको ये रूल बुक बता रहे हैं, तो ये रूल बुक पे क्लिक करेंगे तो 113 पेज ओपन हो जाएंगे। बहुत टाइम है, आराम से मेन मेन चीजें एटलीस्ट आप पढ़ लें। मैंने बहुत सारी चीजें हाईलाइट करके पेज नंबर वगैरह बताया वो भी पढ़ लें और बाकी चीजें भी और पढ़ लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिलेगी। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कर लें एप्लीकेशन के पहले, ऑथेंटिक ही लग रही है लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लें।